फर्स्ट बाइट की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है द अध्ययन स्कूल, शताब्दी नगर, मेरठ। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। लॉकडाउन के बाद यह पहली रैली और सभा थी। भारी भीड़ जुटी। हाथरस में रालोद कार्यकर्ता हुए जयंत चौधरी पर हुए लाठीचार्ज की घटना ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति को नई हवा दे दी है। लोकतंत्र बचाओ महासभा नामक पश्चिमी उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण शहर मुजफ्फरनगर में हुई इस महासभा में मान सम्मान व स्वाभिमान को बचाने की बात कही गई। गुरुवार को बिना अनुमति के GIC मैदान में बुलाई गई महासभा में जिस तरह से भीड़ का सैलाब उमड़ा, उससे जहां मरणासन हालत में पड़ी विपक्ष की राजनीति को बल मिला है, वहीं भाजपा सरकार की पेशानी पर भी बल पड़ना स्वाभाविक है। भीड़ से उत्साहित जयंत चौधरी ने यहां तक कहा कि हाथरस में लाठीचार्ज पूर्ण नियोजित साजिश है। जयंत ने अपने पर पड़ी लाठियों में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ हुए दुर्व्यवहार का भी जिक्र कर कहीं ना कहीं यह भी संकेत दे दिया कि संकट की इस घड़ी में वे सभी साथ साथ हैं। प्रियंका गांधी के कपड़ों पर पुलिस द्वारा हाथ डाले जाने की भी वहां निंदा की गई। आइए सुनते हैं क्या कहा है जयंत चौधरी ने। और वो जो तोड़ मोड़ की बात थी, उसके पीछे भी उद्देश्य था। वहां पूरब में घटना हुई थी और आप वहां जनता को जाके जो पीड़ित लोग थे उनको उल्टा धमका रहे थे ऐसे उंगली चलाकर। इसलिए मैंने उस आवेश में आकर, यहां पश्चिमी उत्तर प्रदेश की धरती है, यहां के लोग बहुत सहन कर लेंगे लेकिन अन्याय सहन नहीं कर सकते, उस बात को याद, इसीलिए मैंने वो बात कही थी उंगली तोड़ने की। लेकिन बाबा जी, योगी जी ने तो बात ऐसी ले ली, उन्होंने उंगली नहीं, ना जाने क्या क्या तोड़ने की रणनीति वहां बना रखी थी। साजिश रची हुई थी, एक सुनियोजित साजिश थी। लेकिन मुख्यमंत्री जी, बाबा जी, योगी जी, बहुत नाम है आपके, मैं आपको कह देना चाहता हूं, आपने कोशिश अपनी कर ली, आपने पूरी कोशिश कर ली, लेकिन ये जो लोग हैं, ये मेरे घर के लोग हैं, ये मेरे घर के परिवार के बड़े हैं, ये मेरा खून है खून, और ये मेरा बाल बाका भी नहीं होने देंगे। मैं ये भी साफ कह दूं, बात मेरी नहीं थी। हमारा उद्देश्य क्या था, क्यों हम वहां गए थे, चौधरी चरण सिंह जी ने हमें सिखाया था, उन्होंने आपको हाथ पकड़ के सिखाया था, किसी दबे कुचले के साथ, गरीब के साथ कभी कोई अन्याय सहन मत करना, उसके साथ खड़े होना। क्या दोस्त था वहां, कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व गया, उनको रोका गया, बदतमीजी की गई, तृणमूल कांग्रेस के सांसद वहां गए, उनके साथ बदतमीजी बसलूकी की गई, समाजवादी पार्टी के नेता गए वहां, गुंडों को तैयार करके उन पर पथराव करा गया। जयंत चौधरी ने कृषि विधेयक का यह कहते हुए जिक्र किया कि इससे एक झटके में ही सरकार ने आड़तियों को खत्म कर दिया है। सवाल किया कि यह कैसा कृषि बिल है जो किसान के हित में नहीं है। महासभा में सहानुभूति की लहर और भीड़ दोनों उमड़ी, लेकिन 2022 तक इसकी हवा बनाए रखना भी आयोजकों के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है, क्योंकि 2022 अभी दूर है और प्रदेश की राजनीति का ऊंट किस करवट बैठेगा अभी कहना बहुत जल्दबाजी होगा। इस खबर में आज इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट ओटीवी। नमस्कार।